सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। सो आप वीडियो को पूरी एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ये प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना और यहाँ से एक बैकग्राउंड ओपन कर लेना। आप इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना और यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक कर देना और यहाँ से अपने मॉडल को आप ऐड कर देना। और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेना, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना। और इसको सेट करने के बाद इसका जो ओपेसिटी है इसको इंक्रीज करके इसको डन कर देना और यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे इस वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसको इस तरह से इरेज कर देना। तो गाइस, इसको थोड़ा मैं फटाफट इरेज कर लेता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो गाइस, इसको इरेज करने के बाद यहाँ से इसको डन कर देना और यहाँ से बैक चले जाना और वापस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करके आपको एक सिलेक्टिव वाला ऑप्शन, सॉरी डबल एक्सपोजर पे वापस क्लिक कर देना है और यहाँ से एक हेयर वाला हेयर स्टाइल पी एन जी ऐड कर लेना। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसको इस तरह से सेट कर देना। तो गाइस, इसको सेट करने के बाद इसका भी ओपेसिटी जो इंक्रीज कर देना और यहाँ पे एरो पे क्लिक करके और व्यू एडिट पे क्लिक कर देना और इसको यहाँ पे जूम करके अपने हेयर्स के ऊपर इस तरह से कर देना। और यहाँ पे जो डबल एक्सपोजर है उसको 100 ही रखना। अगर आपको गलती से एक्स्ट्रा पार्ट अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो उसको इरेज करने के लिए यहाँ पे जो डबल एक्सपोजर है उसको 0 कर देना, यहाँ पे डाउनलोड वाले के ऊपर टैप करके यहाँ पे इसको 0 कर देना और 0 करने के बाद ये अपने आप यहाँ पे इरेज हो जाएगा। और यहाँ पे इसको वापस 100 कर देना। 100 करने के बाद आपको जहाँ जहाँ पे लगता है यहाँ पे हेयर सोने चाहिए और यहाँ पे इस तरह से कर देना वहाँ पे। तो भाई, इसको वापस 100 कर देना और यहाँ से इसको हेयर्स को थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं और यहाँ से इसको हेयर्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसको डन कर देना और यहाँ से बाइक चले जाना। बाइक जाने के बाद वापस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको वाइट बैलेंस मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना राइट साइड कॉर्नर में। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसको +8 रख देना और जो टिंट है उसको -5 रख देना और यहाँ से इसको डन कर देना। डन करने के बाद वापस पेंसिल वाला आइकॉन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे सिलेक्टिव वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे इसको फेस के ऊपर इस तरह से कर देना टाइप करके और इसका जो ब्राइटनेस है उसको +26 रख देना। आपको जहाँ जहाँ पे करना है ब्राइटनेस लाना है वहाँ वहाँ पे आप कर सकते हैं, बस आप यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना।
और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले हैंड पे भी कर देना। और इसका जो ब्राइटनेस है इसको +28 रख देना। और जो फेस वाला ब्राइटनेस है उसको +35 रख देना। और यहाँ पे वापस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक कर देना और कॉम्बो वन वाला फिल्टर जो इसको यूज़ कर लेना। और यहाँ पे जो फेस स्पॉटलाइट है उसको +46 रख देना और स्किन स्मूथनिंग है उसको +100 रख देना। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी फ़ोटो जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना।